उज्जैन जिले के बड़नगर में पिछले 15 दिनों में कोरोना संक्रमण से लगभग 32 पॉजिटिव होने के पश्चात नगर में कई दिनों से कोरोना पॉजिटिव व नेगेटिव के उतार चढ़ाव से पूरी तरह लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंस एवं कर्फ्यू से जूझ रहा है। इसी कड़ी में कोरोना संक्रमण से गुप्ता हॉस्पिटल परिवार, सेन बंधु और मकवाना परिवार भी अछूता नहीं रहा। नवागत कलेक्टर आशीष सिंह, अपर कलेक्टर दिलीप कापसे के साथ बड़नगर का निरीक्षण किया। सभी अधिकारी वर्ग, SDM एकता जायसवाल, तहसीलदार सुरेश नागर, थाना प्रभारी दिनेश प्रजापति, कुलदीप किंकुश और स्वास्थ्य कर्मियों, डॉक्टर्स के साथ नगर के कंटेनमेंट एरिया और इंद्रप्रस्थ में क्वारंटाइन किए गए वेद परिवार चर्चा की। नवागत कलेक्टर आशीष सिंह ने मीडिया को बताया कि स्थानीय प्रशासन और डॉक्टर, स्थानीय नागरिक और मीडिया के सहयोग से आने वाले समय में बड़नगर कोरोना संक्रमण पर विजय प्राप्त कर पहले की स्थिति में आ जाएगा। इसके लिए नगर प्रशासन को सही दिशा में काम करने के निर्देश और सुझाव दिए गए हैं। उज्जैन जिलाधीश आशीष सिंह ने किसान युवा मोर्चा के महामंत्री, भाजपा नेता कृष्णचंद्र यादव से मुलाकात कर किसानों के हित में चर्चा की। बड़नगर से शांतिलाल परमार की रिपोर्ट। देखिए, बड़नगर भी एक काफ़ी संवेदनशील जो है वो केंद्र बन गया है। कोरोना की दृष्टि से अगर देखें 41 यहाँ पर पॉजिटिव केसेस आ चुके हैं। हालांकि अच्छी बात यह है कि यहाँ पर जो वायरस का फैलाव है वो 3-4 फैमिलीज तक ही सीमित है, और यहाँ के स्थानीय प्रशासन ने और यहाँ के डॉक्टर्स की टीम ने अच्छा काम करके इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सभी को चूँकि करा दिया था। ज़्यादातर लोगों की रिपोर्ट्स यहीं पर आई हैं और यहाँ से पॉजिटिव हुई हैं, तो अगर आसपास के जो प्राइमरी कॉन्टैक्ट हैं, जो संपर्क हैं, वो बहुत जल्दी निकाल लिए जाते हैं। उनकी सैंपलिंग हो जाती है, वो चाहे पॉजिटिव आएँ चाहे निगेटिव आएँ, अगर पॉजिटिव आते हैं तो उनका इलाज जल्दी चालू हो जाता है, तो वायरस की जो चेन है वो ब्रेक हो जाती है। सर, कंटेनमेंट एरिया क्षेत्र के जो लोग हैं उनके क्या ब्लड सैंपल सभी के लिए जाएंगे जो लोग हैं? जी नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। कंटेनमेंट एरिया के सभी लोगों का सर्वे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो प्रोटोकॉल है ICMR का, वो ये बोलता है कि जो हाई रिस्क कॉन्टैक्ट हैं या जिनको प्राइमरी कॉन्टैक्ट ही बोलते हैं, कि उनकी फैमिली के लोग होते हैं, उनके साथ उठने बैठने वाले लोग होते हैं, उनके साथ यात्रा किए हुए एक गाड़ी में लोग होते हैं, केवल उनके सैंपल लेने का प्रावधान है। बाकी जो आसपास हैं लोग, जिनसे बहुत ज़्यादा मिलना जुलना नहीं होता है, उनकी उन पर नज़र रखी जाती है। उन पर सर्वे और स्क्रीनिंग की टीम जाके देखती है कि कहीं उनको सिम्टम इस प्रकार के सांस में तकलीफ वाले या सर्दी खांसी जुकाम वाले तो नहीं हो रहे हैं। अगर वो नहीं है तो उसमें सैंपल की कोई भी आवश्यकता नहीं। सर, कर्फ्यू में किस तरह की ढील दी जाएगी अभी? देखिए, अभी बड़नगर में मैं ये कहूँगा कि आप सभी लोगों के सहयोग से हम लोग उस मुकाम पर आ गए हैं कि लगभग सारे सैंपल्स एक को छोड़कर सबकी रिपोर्ट आ चुकी है। जो इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन लोग हैं उनकी सबकी रिपोर्ट नेगेटिव हो चुकी है, बाकी के लोग हॉस्पिटल में हैं या फिर वहाँ से डिस्चार्ज हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर और हम 8-10 दिनों तक अच्छी सख्ती के साथ में लॉकडाउन कर ले गए तो बड़नगर से पूरी तरीके से कोरोना ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए अभी फ़िलहाल 7-8 दिनों तक किसी भी प्रकार की जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उसमें और सख्ती की जाने की आवश्यकता है। मुझे लगता है किसी भी टाइप का रिलैक्सेशन दी जाने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी के माध्यम से मैं सभी से सहयोग की अपील भी करूंगा कि हम लोग 8-10 दिन तक और अगर इसी सख्ती के साथ लॉकडाउन करते रहे तो हम लोग पूरी तरीके से कोरोना को बड़नगर से ख़त्म कर देंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।